वेलकम टू खुशबू एक्वेरियम। बहुत सारे भाई लोग का प्रॉब्लम रहता है कि एक्वेरियम तो वो बना चुके होते हैं बट कवर बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो हम आज आपको बताएंगे कि कवर कैसे आप घर पे बना सकते हैं। तो ये फाइबर सीट होता है 2.5 mm इसका थिकनेस रहता है। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, किसी भी हार्डवेयर शॉप से आप इसको परचेस करके ला सकते हैं। और इनमें ये पेपर का शीट लगा रहता है, स्क्रैच नहीं है। इसको सेफ्टी से आप घर पे लाएं कि रास्ते में टूटे नहीं, क्योंकि पतला होता है। और ये दोनों साइड में पेपर का सीट रहता है, इस साइड में भी और इस साइड में। फ्रंट बैक आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये सीट है और ये इस कलर का है पूरा सीट। ये देखिए, ये सीट पूरा इस कलर का है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एक्वेरियम का साइज़ है, आपका जो एक्वेरियम का साइज़ है उस हिसाब से इसको कटिंग करना पड़ेगा। बट उसमें भी जैसे कि आपका एक्वेरियम है 1 फिट चौड़ा और 2 फिट लंबा, तो अब आपको इसका जो चौड़ाई है वो रखना है 1 इंची एक्स्ट्रा। जैसे 12 इंची का 1 फिट होता है तो आपको 13 इंची इसको रखना है। और जो लेंथ है इसका लंबाई सिर्फ सेम रखना है। चौड़ाई 1 इंची बढ़ा देना, लंबाई सेम रहेगा 24 इंची का 24 इंची, 30 इंची में 30 इंची, चौड़ाई के लिए 1 इंची बढ़ा देना होता है। तो ये कटिंग कर लेते हैं और देखिए आगे का वीडियो। ये होता है माइका कटर, ये भी हार्डवेयर दुकान पे इजी मिल जाता है। इससे कटिंग करेंगे, पहले तो दाग लगा लेंगे अपने इंची टेप से नाप करके, और उसके बाद इसे स्केल के सहारे से कटिंग कर लेना। जैसे कि मैं आज एक्वेरियम का कवर बनाने जा रहा हूँ, एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, 2 ऑर्डर आया है मेरे पास एक्वेरियम का, उस साइज़ का मैं बना रहा हूँ। तो वो एक्वेरियम का साइज़ है 10 इंची चौड़ा और 12 इंची लंबा। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया है 12 इंची पे, दोनों साइड में है 12 इंची पे, और उसका 10 इंची चौड़ा है तो मैंने इसको 11 इंची रखा है। आपको भी इसी तरह से जितना आपका चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना और लंबाई सेम रहेगा। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। ये एक्वेरियम कवर का टॉप कट चुका है और एक्वेरियम का जो साइज़ है वो है 12 इंची लंबा और 10 इंची चौड़ा। तो अपन पहले भी बता चुका, आपको लंबाई में सेम रखना है, चौड़ाई में 1 इंची बढ़ा देना है। तो मेरा 11-12 का ये आपका सीट एक है। अब हम लोग इसको 2 कलर में बनाएंगे। ये रहा साइडर और इसका जो साइज़ है वो 9 इंची है, 1 इंची कम रखना है अपने को। ये जो चौड़ाई है ना उससे 1 इंची कम रखना है अपने को 1 इंची कम रखना है इसको, और इसको 1 इंची कम रखना है अपने एक्वेरियम से, और एक्वेरियम से 1 इंची एक्स्ट्रा करना ऊपर वाले सीट को। तो वो जो था इस एक्वेरियम का साइज़ 10 इंची है तो मैंने 11 इंची इसको रखा है, और इसका जो साइडर है वो एक्वेरियम 10 इंची था तो मैंने इसको 9 इंची रखा। साइडर को कम करना और टॉप को 1 इंची बढ़ा देना। ये इसका पेपर है, ये बाद में बनाने के बाद रिमूव हो जाएगा। अब इसका जो साइज़ है, ये आपका साइज़ है पूरा 9 इंची, यहाँ से यहाँ तक लंबा 9 इंची है और चौड़ा जो है वो है 4 इंची। अब क्या करेंगे कि ये 9 इंची का सेंटर निकालेंगे। 9 इंची का सेंटर होता है 4.5, तो 4.5 पे यहाँ पे पेन या मार्कर से दाग लगा लेंगे, यहाँ पे अपना लाइन लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, ये लग जाएगा। और ये जो 2 इंची का अपना है बीट जो फ्रंट में लगेगा वैसे आगे के साइड में, इसको यहाँ रखना एकदम इसके लेबल में, ठीक है, इसके लेबल में रखना। उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर पे और फिर अपना इस कॉर्नर पे दोनों साइड में दाग लगा लेंगे। उसके बाद इसको एकदम लेबल में रखना। अब यहाँ पे जो 4.5 इंची है यहाँ से यहाँ स्केल लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और इस लाइन पे, इस लाइन से इस लाइन पे, इस लाइन से और इस लाइन पे स्केल लगाएंगे, और फिर कटर से अपना कटर जो होता अपने कटर से इसको काट लेना कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से अपना स्केल रख लेना और ये कटर हुआ अपना, और इसको ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर काट देना है। 2 से 3 बार लाइन मारना है ऐसे ऐसे करके। ये कट चुका, तो ये दाग लग चुका है इस कटर से
अब ये देखिए कट जाता है ऐसे, कुछ इस तरह से इसको काट लेना है अपने को, इस तरह से कटिंग हो जाएगा ये, और इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से काट लेना है। अब मिलते हैं कटिंग के बाद। तो ये चार ढक्कन का पूरा शेड कट चुका है, ये अपना साइड का हो गया, ये साइड का हो गया, और ये इनमें अभी ऐड हो जाएगा यहाँ इस साइड में जॉइंट होगा। आगे वीडियो पे बने रहिए। इस टाइप का ले लेना है आपको, जैसे फैब्रिक्यूक हो गया, इस टाइप का ग्लू ऐसा। अब इसको जोड़ना कैसे है, एक पार्ट ये उठाएंगे और एक ये, और ये ग्लू इसके इस साइड कॉर्नर पे लगाना है, और इसको इस तरह से ऐसे चपका देना। सपोज ऐसे देखिए, ये रहा, इस टाइप से आपको ऐसे चिपका देना होता है। तो हमने दो कलर का कवर तैयार कर लिया है, उसका बॉटम ये रहा, एक तो ये कलर फुल्ली सेम कलर में सब है, इसका टॉप भी इसी कलर का रहेगा, बट इसका टॉप ऑरेंज, और ये दोनों बैक साइड, इसका शाइडर दोनों ब्लू, और बैक और फ्रंट दोनों ऑरेंज, टॉप दोनों का सेम ही कलर रहेगा। ये अब टॉप है ऊपर का, इसको कटिंग करेंगे। ये इस साइड में ये अपना लंबाई हो गया अपना, ये 12 इंची लंबा है और इधर से 11 इंची चौड़ा है। तो अभी इस पे दाग लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों, इस साइड और इस साइड में। यहाँ पे ये जो है अपना, ये 11 इंची है, तो इसको 5.5 इंची पे लगा लिया मैंने दोनों साइड में। अब इसको कट करेंगे, इसको फुल कट नहीं करना है, इसको सिर्फ हाफ कट करना है, आधा काटेंगे लाइन से, इधर से इधर आधा काट करके बीच बीच से 3-4 बारी मारेंगे और लाइन देंगे, और इसको तोड़ करके एकदम अलग नहीं कर देना, इसको इसी में वापस सटे रहने देना। उसके बाद इस पर टेप लगाएंगे, और उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे बीच से। इसको लाइन पे स्केल सीधा रख लेना, और उसके बाद अपने कटर से इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे काट लेना है, बस इतना ही काटना है, ये जितना दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इस पार से उस पार नहीं कटना चाहिए, इस तरीके से काट लेना। काटने के बाद तो अपने को सेलो टेप ले लेना, उसके बाद इसके एकदम सेंटर लाइन पे आधा इस साइड और आधा इस साइड ऐसे चिपका देना। दोनों ही तरफ जैसे कि इसमें टेप लग चुका है, अब इसको हम लोग यहाँ से लाइन के अपोजिट साइड से इसको ऐसे ब्रेक करेंगे इस टाइप से, पूरा वापस देखिए ये मुड़ चुका है, ये हर्ट शेप का हो गया है। अब इसके ऊपर इसको सटाना स्टार्ट करते हैं। ये जो साइडर पल्ला था हमारा, वो अब आपको टॉप के ऊपर रख देना, और ध्यान रहे कि देखें इस साइड का ये जो गैप दिख रहा है, और फिर इस साइड का गैप, दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद इसको ग्लू से आपको चिपका देना, इसको ग्लू से अब आप लाइनअप करते हुए चिपका लीजिए ऐसे ऐसे। अब ये कवर बनकर के तैयार है अपने एक्वेरियम के लिए, आप इसको लगा सकते हैं अपने एक्वेरियम के टॉप पे। ये आपका टॉप तैयार है, ये बिल्कुल एकदम हेड के साइज का है, ये कवर आपका तैयार एकदम। इसको और भी मजबूत करने के लिए आपके पास अगर हॉट ग्लू गन है उसका भी यूज कर सकते हैं, और हम अभी सिलिकॉन लगाएंगे इसमें, क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन है, ग्लास उसी से चपकता और ढक्कन भी और उसी से चपकेगा।
हॉट ग्लू गन अप्लाई कैसे करना है, इस लाइन के ऐसा ऐसे लंबा इस साइड में, इस साइड में जिधर जिधर ज्वाइंट है अपना उस साइड में आपको चला देना है कुछ इस तरीक़े से। कुछ इस तरीक़े से आप इसको ऐसे अपना हॉट ग्लू गन से इस टाइप से आपको दे देना है।